टॉप 10 डेंजरस डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्ते। हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आपका प्यारा पेट भी। अरे हाँ, पेट से याद आया कि डॉग को पुराने जमाने से ही इंसानों का सबसे वफादार दोस्त माना गया है। और तो और, एक सर्वे में ये पाया गया कि जब इंसान डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं, तो वो अपने डॉग को देखकर खुश हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉगी होते ही इतने प्यारे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई डॉग ब्रीड्स हैं जो काफी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हैं? और इतना ही नहीं, बल्कि इन डॉग्स को कई देशों में बैन तक किया जा चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन डॉग्स के बारे में, वीडियो 10 जर्मन शेपर्ड। इस ब्रीड के डॉग का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस वाला कुत्ता। इंडिया में ये डॉग इसी नाम से ज्यादा फेमस है। ये डॉग अपने मास्टर के प्रति काफी ज्यादा वफादार होते हैं। इन्हें दुनिया के हर कोने में पाला जाता है, और अगर इन्हें पालतू ना बनाया जाए तो ये डॉग काफी ज्यादा खूंखार होते हैं, और इन्हें किसी से खतरा महसूस हो तो उन पर ये हमला करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। इन डॉग्स का वेट 40 किलोग्राम और हाइट 65 सेंटीमीटर तक होती है। 9 वुल्फ हाइब्रिड। जैसा कि इसका नाम है, इससे आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इसका भेड़ियों से कोई ताल्लुक जरूर है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस डॉग ब्रीड को वुल्फ ब्रीड से क्रॉस कराई जाती है, और इसीलिए आपको इस ब्रीड के डॉग में वुल्फ के लक्षण साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। इस ब्रीड के डॉग स्वभाव से काफी ज्यादा खूंखार होते हैं, और आमतौर पर ये जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्रीज में पाए जाते हैं। अगर इन्हें ऐसा महसूस हो कि कोई चीज इनकी है और इन्हें इनसे छीना जा रहा है, तो उस समय काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और अपने मालिक तक को नहीं छोड़ते। इसलिए इन्हें ट्रेन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस ब्रीड के डॉग को दिन में कम से कम 1 घंटे का व्यायाम जरूर से कराना पड़ता है। 8 चाओ चाओ। वैसे ये डॉग दिखने में तो काफी मोटे और प्यारे होते हैं, लेकिन अगर चाओ चाओ को प्रॉपर तरीके से अटेंशन ना दिया जाए तो ये डॉग तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने पर ये डॉग किसी को नहीं छोड़ते। इनके खूबसूरत बालों के कारण ये डॉग यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग में से एक है। इनका वेट 32 किलोग्राम और हाइट लगभग 55 सेंटीमीटर तक होती है। 7 बॉक्सर। बॉक्सर डॉग को अक्सर लोग गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये डॉग तो वफादार होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये उतने ही ज्यादा खूंखार भी होते हैं। बॉक्सर डॉग्स की हाइट 60 सेंटीमीटर और वेट 30 किलोग्राम तक होता है। इस डॉग ब्रीड को दिन में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कराना होता है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये कमजोर होने लगते हैं। बता दें कि बॉक्सर डॉग्स के खाने काफी ज्यादा महंगे होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इन डॉग्स को बच्चों से दूर रखने को कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रीड के डॉग्स का स्वभाव काफी ज्यादा आक्रामक होता है, और गुस्से में ये किसी को नहीं छोड़ता। 6 ग्रेट डेन। इस ब्रीड के डॉग दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े और लंबे होते हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका यह विशाल शरीर इसे और भी ज्यादा ताकतवर और आक्रामक बनाता है। इस डॉग ब्रीड के डॉग का वेट 90 किलोग्राम और हाइट की बात करें तो वो 85 सेंटीमीटर तक होती है। ये डॉग खतरा महसूस होते ही हमला कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्वभाव से इतना ज्यादा आक्रामक नहीं होते। ये डॉग सिर्फ यूरोप के कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, और शायद इसी वजह से इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। 5 डॉगो अर्जेंटिनो। देखिए इस डॉग को, ये डॉग कितना ज्यादा आक्रामक और खतरनाक है, और अपनी इसी हरकतों के कारण ये डॉग यूके और साथ ही आसपास के कई देशों में पूरे तरीके से बैन है। यह एक शिकारी डॉग है, और पुराने जमाने में इन कुत्तों को शिकार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता था, और अपने मनोरंजन के लिए इन कुत्तों को आपस में लड़ाया भी जाता था। डॉगो अर्जेंटिनो, ये डॉग स्वभाव से ही इतना ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं कि इन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये डॉग इतना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि पुराने जमाने में ये 5 मिलकर एक शेर का शिकार तक कर लिया करते थे। इनका वेट 45 किलोग्राम और हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है। 4 डॉबरमन। दोस्तों, अगर आप डॉबरमन के आसपास हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डॉग सिर्फ अपने ओनर के प्रति वफादार होते हैं, और किसी अन्य से खतरा महसूस होने पर ये तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि ये डॉग बहुत वफादार होते हैं, इसलिए इन्हें कई जगहों पर गार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। इन डॉग्स का वजन काफी कम होता है, और इसी कारण ये काफी तेजी से दौड़ पाते हैं और फुर्तीले होते हैं। ट्रैवल के दौरान इसे कहीं ले जाने से पहले आपको विशेष तरह के इंतजाम करने होते हैं, और यहाँ तक कई देशों में इन डॉग पर बैन भी लगा रखा है। 3 रॉटवीलर। अगर आप इनके मासूम से चेहरे के ऊपर जा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है,
क्योंकि ये दिखने में जितने मासूम लगते हैं उतने होते नहीं है। ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि इन डॉग्स के दांत और शरीर सारे डॉग ब्रीड से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ ले तो ये पूरे शरीर को उसके ऊपर झुला सकता है, लेकिन उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। अब तक इस डॉग के कारण अमेरिका में लगभग 55 लोगों की जान जा चुकी है। कहा जाता है कि अगर इनके मालिक इनका ध्यान अच्छे से ना रखें तो ये उनके ऊपर भी हावी हो जाते हैं। इनकी हाइट बहुत ही कम होती है, लगभग 70 सेंटीमीटर, लेकिन इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी इनका वजन 60 किलोग्राम जितना होता है। 2. जापानीज टोसा। पुराने जमाने में जापान में इसे खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। इसी कारण इन डॉग्स को पालतू बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये डॉग ब्रीड्स लड़ाई के लिए काफी मशहूर है और इनकी आवाज काफी डरावनी होती है। जापानीज टोसा को यूके और आयरलैंड जैसे देशों में बैन किया जा चुका है और इन्हें दूसरे देशों में ले जाने पर भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ये डॉग एक दिन में कई किलो मांस खा जाते हैं और इसलिए इस डॉग को पालना आपके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इनकी हाइट 85 सेंटीमीटर तक और इनका वजन लगभग 60 किलो होता है। 1. पिटबुल। अमेरिका जैसे देशों में इंसानों की सबसे ज्यादा जान लेने वाला ये डॉग पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड है। पुराने जमाने में इसे पिट पर उतार कर लड़ाई कराई जाती थी और इसी कारण इसका नाम पिटबुल रखा गया। ये डॉग शिकार के लिए बहुत ज्यादा सही होते हैं, इसलिए इन्हें पालना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रजाति के डॉग्स के कारण अमेरिका में लगभग 309 लोगों की जान जा चुकी है और देखा जाए तो ये किसी भी डॉग ब्रीड से कहीं ज्यादा है। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम और इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप कहेंगे कि इसकी हाइट और वेट तो बाकी के डॉग्स की तुलना में काफी कम है, तो मैं आपको बता दूं, इससे ये कम खतरनाक नहीं हो जाता। यहाँ तक तो अमेरिका में इस डॉग को पालतू बनाने के लिए मना किया गया है और यूके समेत कई देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। वैसे तो ये सारी डॉग ब्रीड्स ही सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार होती हैं, लेकिन इन्हें प्यार से रखने पर ये मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं। तो क्या आप भी इनमें से किसी डॉग ब्रीड को अपने घर लाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।